हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप चाहते हैं 11वीं क्लास में एडमिशन करवाना, वो भी सरकारी स्कूल में? तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को पार करना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो आपको बता देता हूँ कैसे क्राइटेरिया को चेक करना है और कितने नंबर आए होंगे तो क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपको बता देता हूँ, 50% आए तो क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाई स्टेप आपको पूरे प्रोसेस बताया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बने रहे, इस वीडियो को स्किप ना करें जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट जाए। सो आपको पहले आपको बता दे तो कैसे स्टार्ट करते हैं। सो आपको पहले कोई से ब्राउजर ओपन कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, सर्च पैन है UDUDL, ये लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिल जाएगा। मिलने के बाद मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सिंपली इस साइट पे आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे पेज खुल जाएंगे, कई सारे लिंक खुल जाएंगे। आपको कौन से लिंक पे क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ कौन से लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर दी सेशन 2022-23 और यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन इन 11th क्लास। तो यहाँ पे गाइडलाइन को पढ़ने के लिए, गाइडलाइन को जानने के लिए आपको किस पे क्लिक करना है, तो पहले वाले पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ए गाइडलाइंस फॉर पेरेंट गाइडलाइंस, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जब भी आपको एडमिशन करना होगा, एडमिशन करने का वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा वहाँ कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर यही बताया जाएगा कैसे क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है। तो आपको बता देता हूँ, ये 27 तारीख 7वें महीने 2022 को रिलीज हुआ था और इसकी मार्क्स की बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स, कितने नंबर आएंगे तो कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, कितने नहीं आएंगे तो कितने नहीं ले सकते। सो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आपको साइंस विथ मैथ लेना हो तो कितने नंबर आएंगे तो ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके 55% आपके आए होंगे मार्क्स, अगर आपके 10वीं क्लास में 55% आए होंगे तो आपको साइंस विथ मैथ ले सकते हैं। और इंग्लिश में आपके 50% आने चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पे आपके 50% मैथ में आने चाहिए और ये भी साइंस में आने चाहिए 50%। जब भी आप साइंस विथ मैथ ले सकते हैं और साइंस के साथ मैथ ले सकते हैं। और अगर आपको साइंस विदाउट मैथ लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 55% लाने होंगे 10वीं क्लास में और इंग्लिश में 50% और आपको मैथ में आपके 40% और साइंस में आपके 50% लाने होंगे जब भी आपको साइंस विदाउट मैथ मिलेगा। और यहाँ पे कॉमर्स की बात कर लेते हैं, कॉमर्स विथ मैथ आप कैसे ले सकते हैं, आपको 50% लाने होंगे 10वीं क्लास में और इंग्लिश में आपके चाहिए 45% और आपके मैथ में चाहिए होंगे 50% और सोशल साइंस में चाहिए होंगे 45%। और आपको दूसरी की बात कर लेते हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं 50% आपके 10वीं क्लास में होने चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश 45% या हिंदी 45%। इन दोनों में से आपको किसी में 45% होने चाहिए, ये कंपलसरी। और सोशल साइंस में आपके होने चाहिए 45% है जब भी आपको ये साइंस कॉमर्स विथआउट मैथ ले सकते हैं। अगर और इसका एज की बात कर लेते हैं, एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11th क्लास कंप्लीट द एज 15 ईयर बट लेस देन 17 ईयर। अगर आपकी एज 15 से 17 के बीच में है तो जब भी आप 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो इस वीडियो के अंदर आपको गाइडलाइन के बारे में बताना था। सो अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो वीडियो के अंदर कमेंट कर दे और मैं आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। I know shit like it for me, I'm a fly.